बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं कि इम्तिहान बच्चों के करीब आ रहे हैं। कोरोना की वजह से अभी जो है ऐलान हो गया है कि मैट्रिक और एफएससी एफए के बच्चों के इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, तो बच्चे बहुत परेशान हैं क्योंकि कोरोना की वजह से इदारे बंद रहे हैं और सही तैयारी नहीं हो सकी। इसी तरह बीएस के स्टूडेंटों के लिए भी ये मसला है कि वो सही तैयारी नहीं कर सके, इम्तिहान देना है। तो आज मैं आपके साथ ऐसी टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ जिनको फॉलो करके आप मुख्तसर टाइम में पेपर की तैयारी कर सकते हैं। ऐसी टिप्स शायद आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी, ये तरीका पहले किसी ने नहीं बताया होगा। ये लाजवाब किस्म की टिप्स है, तरीका है जिससे आप मुख्तसर टाइम में अपने पेपर की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। देखो, अक्सर बच्चे ये शिकायत करते हैं, नौजवान शिकायत करते हैं कि हमारा कुआध्यापसा कमज़ोर है, हमें चीज़ें भूल जाती हैं, हमें नसीहान होता है, हमारा कुआध्यापसा जो है ना वो ठीक नहीं है। दोस्तों, भूलना भुलाना ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। आप देखें कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ट्रेजेडी होती हैं, बहुत सारे जो है ना खौफनाक किस्म के वाक़यात होते हैं, तो हम उनको कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं। जैसा कि कुछ प्यारों की डेथ है, कुछ प्यारे दोस्त की, कुछ करीबी रिश्तेदारों की वफात है, मौत है, तो हमें वक्ती तौर पे सदमा होता है, लेकिन जो ही वक्त गुजरता है हम उस सारे सीन को भूल जाते हैं और हम दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट आते हैं। ये भूलना हमारे लिए खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम पिछली बातों को, माजी को, गुजरे हुए वाक़यात को ना भुला पाए तो हम एक दिन भी खुशी का, सुकून का नहीं गुजार पाएंगे। लिहाजा इस बात पे कतन ही अफसोस न किया करें कि मुझे चीज़ें भूल जाती हैं। ये हमारी नेचर में शामिल है। हम रोड से गुजरते हैं तो हम साइन बोर्ड देखते जाते हैं तो हमें तमाम साइन बोर्डों के नाम याद नहीं होते, हमें सिर्फ वही याद होता है जिससे हमें वास्ता पड़ता है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है। आप भी इसी तरह जब पढ़ते हैं तो आपको वही चैप्टर, वही चीज़ें याद होती हैं जिनको आप अहम समझते हैं, जिनको आप तवज्जो देते हैं, वही चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। तो आज इम्तिहान की तैयारी के हवाले से मैं एक ख़ास मेथड, तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ जिसको फॉलो करके आप बहुत शॉर्ट वक्त में बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं पेपर की। आजकल थोड़े दिन रह गए हैं मैट्रिक का इम्तिहान, जैसा कि 26 जून से शुरू हुआ है, तो अभी जो है ना थोड़ा सा टाइम है। इस थोड़े से टाइम में जो है ना हम कैसे अच्छी तैयारी कर सकते हैं, कैसे अपने जो है ना टारगेट को अचीव कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक फार्मूला मैंने तैयार किया है। पहला, उस फार्मूले के मुताबिक ये है कि आप एक बुक लें, उसका एक चैप्टर खोलें, उस चैप्टर को पढ़ने के बजाय उस चैप्टर की वर्कदानी करें, उसमें देखें कि कौन कौन से टॉपिक हैं, उसके टॉपिक को देखें, उस चैप्टर को खोलें और उसके तमाम टॉपिक को एक 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 सरसरी निगाह से देख लें। इसी तरह एक चैप्टर को ऐसा करने के बाद उस चैप्टर की जब मेरे तरीके के मुताबिक स्टडी कर लेंगे, फिर दूसरे चैप्टर को आप ऐसे सर्वे करेंगे, उसके टॉपिक देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ डिस्कस की गई है, इस पर कौन कौन सी जो है ना अहम बातें बताई गई हैं, जो मेन टॉपिक दी है, हेडलाइन दी होती है हर टॉपिक के ऊपर, वो देखें। इसी तरह तीसरे चैप्टर को, चौथे चैप्टर को, तमाम चैप्टर को जो है ना ये बुक को जो है ना इसी तरह आप सर्वे कर लेंगे, जिसको हम ये कहते हैं कि हम हर चैप्टर का सर्वे करेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ डिस्कस की गई है। ये देखने के बाद, सर्वे करने के बाद आपने पढ़ना शुरू नहीं करना, आपने क्या करना है, हर चैप्टर के आखिर पे एक्सरसाइज को देखना है कि इसमें कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। बड़े सवालों को भी देख लेना और शॉर्ट क्वेश्चन को भी देख लेना और ऑब्जेक्टिव को भी देख लेना, इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं और कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं जो यहाँ पूछे गए हैं,
और बड़े सवाल कौन कौन से हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस इम्तिहान में शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, बड़े सवाल कम ही होंगे, लेकिन आपने बड़े सवाल भी देखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी देखने हैं और ऑब्जेक्टिव भी देखना है। इसी तरह पहले चैप्टर के एंड पे जो आए आप स्टडी करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, बड़े सवाल कौन से पूछे गए हैं और शॉर्ट कौन से हैं और ऑब्जेक्टिव कौन से हैं। फिर आप दूसरे चैप्टर पे जाएंगे तो उसकी भी एक्सरसाइज को देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सवाल जो है ना वो पूछे गए हैं, किस बार जो है ना कौन कौन से सवाल आ सकते हैं इम्तिहान में, कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। आप चैप्टर के आखिर में जो एक्सरसाइज दी होती है उसको स्टडी करेंगे, फिर तीसरे चैप्टर की, फिर चौथे चैप्टर की, इसी तरीके से आप गो थ्रू पूरी बुक की करेंगे। ये सर्वे करने के बाद आपने पहले सर्वे किया कि कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, कौन कौन से हेडलाइन है इस चैप्टर के अंदर, कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। दूसरे दफ़ा आपने दूसरा जो अहम काम किया वो आपने एक्सरसाइज के एंड पे दिए हुए क्वेश्चनों को देखा, शॉर्ट क्वेश्चन भी देखे, ऑब्जेक्टिव भी देखे, बड़े सवाल भी देखे। अब ये काम आप कर चुके हैं, इसके बाद फिर पहले चैप्टर को पढ़ना शुरू करें, सरसरी पढ़ना है, सरसरी आप पढ़ते जाएंगे पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, सरसरी पढ़ना है, आम रूटीन में जो पढ़ते हैं उसको पढ़ना है, पूरे चैप्टर को पढ़ना है। पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद फिर आपने दोबारा एक्सरसाइज वाले क्वेश्चनों को देखना है कि इस चैप्टर को मैंने पढ़ा है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो थे वो दोबारा आपके जहन में आएंगे कि एक्सरसाइज में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। पहले आपने सरसरी पढ़ा था, क्वेश्चन भी आपके जहन में थे, आपने सरसरी जब पढ़ा तो आपको जहन में निगाह में आते गए कि कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, वो सवाल कहाँ कहाँ मौजूद है। अब दूसरी दफ़ा आपने दोबारा उसको चैप्टर को पढ़ना है, अब जब दूसरे दफ़ा पढ़ेंगे तो आप गहराई के साथ पढ़ेंगे, हर क्वेश्चन जो ही आपके सामने वो हेडलाइन पढ़ेंगे तो आपके जहन में आएगा कि इस हेडलाइन में से ये सवाल पूछा गया था जो आपने लास्ट में देखा है चैप्टर के आखिर पे, एक्सरसाइज में देखा है, आपने को याद होगा कि एक्सरसाइज में ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो इस हेडलाइन में मौजूद है, इस पैराग्राफ में मौजूद है, तो आप उस सवाल को तवज्जो के साथ पढ़ेंगे, दो दफ़ा पढ़ेंगे। इसी तरह आप जहन में ये भी देखेंगे कि इस चैप्टर से इस सवाल के अलावा और कौन सा सवाल मुतवक्के हो सकता है, पूछने वाला, इम्तिहान लेने वाला, पेपर सेट करने वाला कौन सा सवाल इस सवाल के मिलता जुलता पूछ सकता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है पूछ सकता है। अब दूसरी दफ़ा जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ गहराई के साथ पढ़ेंगे, इंतहाई तवज्जो के साथ पढ़ेंगे और जहन में ये बात रख के पढ़ेंगे कि ये चैप्टर के एंड पे ये सवाल पूछा गया था और वो सवाल इस चैप्टर के इस हेडलाइन में मौजूद है, अगर ये सवाल आ जाए तो क्या मैं इसको समझ सकूँ। तो आप दूसरी दफ़ा उसको गहराई के साथ पढ़ेंगे, हो सका है तो उसी सवाल को दो दफ़ा भी पढ़ लें जो सवाल एक्सरसाइज के एंड पे दिया हुआ है। दो दफ़ा आपने पढ़ लिया, अब तीसरे दफ़ा आपने चैप्टर को उस हेडलाइन को देखना है और जहन में रिकॉल करना है, दोहराना है कि क्या इस चैप्टर की ये हेडलाइन